ब्लॉक परागपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुनेहत स्थित फेरा नामक स्थान पर एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान विजय कुमार उर्फ बिक्कू निवासी सलागड़ी मसोट के रूप में हुई है। देहरा पुलिस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची व शव को कब्जे में लिया। उधर परिजनों का कहना है विजय कुमार की हत्या हुई है। कहा जा रहा है विजय कुमार व उसका एक साथी शनिवार देर शाम शिकार करने जंगल आए थे, लेकिन जब रात तक विजय कुमार घर नहीं पहुंचा तो तलाश की गई, जिसके बाद पता चला उसे गोली लग गई है और उसकी फेरा नामक गांव में मौत हो गई है। पुलिस ने विजय कुमार के साथ गए व्यक्ति को हिरासत में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने बताया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। उन्होंने बताया पुलिस मामले की जाँच कर रही है, उसके बाद ही मौत के सही कारणों के बारे में बताया जा सकेगा। मैं अविनाश दीवान ग्राम पंचायत आज मुझे लोगों से सूचना मिली शाम के टाइम कि आपके पंचायत में गांव जो लगता स्थान है फेरा नामक स्थान पे एक डेड बंदूक की गोली चलने से मृत्यु हो चुकी है। फिर हम वहाँ मौके पे गए और मौके पे देखा तो साथ लगती पंचायत के दो शिकारी जो हैं वो शिकार करने के लिए आए हुए थे और उसमें एक गोली लगने से एक मृत्यु हो चुकी है और उसके जो मृतक के जो परिवारजन वहाँ पहुँचे थे उन्होंने दूसरे प्रार्थी जो है व्यक्ति जो था वो उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाया हुआ है कि साजिश के तहत हमारे बेटे को मारा गया है और जिसका प्रवीण नामक व्यक्ति है उसने गोली जो उसके हाथों से गोली चली है। और अभी RFSL की टीम पहुँच चुकी है और देहरा पुलिस थाना की टीम भी SHO साहब भी पहुँचे हुए हैं, छानबीन अपनी कर रहे हैं और उसके बाद ही पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को ले जाया जाएगा यहाँ से। ठीक है सर।